हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में बहुत सारे प्रॉब्लम हम अब तक कर चुके हैं, अब इसके ऑलमोस्ट अब लास्ट पड़ाव तक आ रहे हैं। तो इसमें हम अब देखेंगे जेई एडवांस 2019 का प्रॉब्लम, यानी हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा है। 2018 में भी जो क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इस बेसिक से क्वेश्चन से इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, मतलब आप ऐसा समझिए कि एक रॉड है जिसका मास आपको दे दिया हुआ है, जिसका मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है, दिस इज मास एंड इट्स लेंथ इज कैपिटल एम। और क्या कह रहा है, इज हेल्ड वर्टिकली ऑन द फ्लोर, यानी इसको वर्टिकल पोजिशन पे ही रखा गया है, विथ लार्ज फ्रिक्शन। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट्स फॉल बाय रोटेशन। सो रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी टी इक्वल टू जीरो पे इसको हम क्या कह दिए, ये रेस्ट पोजीशन पे है, इनिशियली ये रेस्ट पे है। सो रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेशन। अब ध्यान से देखिए, ये अभी रोटेट करेगा, अब रोटेट करेगा तो आपको बताना है कि इसमें इस जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यानी इस फ्लोर पे, समझिए ये आपका फ्लोर है, इस फ्लोर पे लिखा हुआ है कि लार्ज फ्रिक्शन है। तो सिंपल सा बात है कि अगर ये रोटेट क्लॉकवाइज सेंस में कर रहा है, यानी इस सेंस में कर रहा है, यानी ये इस सेंस में ये रोटेट करना चाह रहा है, तो अगर ये इस सेंस में रोटेट करना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो वही है, आप ये रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये आपका है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट है, सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर, विद द फ्लोर विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, यानी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर, इट इज द कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। तो यहां से ये हुआ, और दूसरा लार्ज फ्रिक्शन है, दो वर्ड पे फोकस करना है इसमें, एक तो फ्रिक्शन लार्ज है, यानी कि और वैसे भी ये रोटेट कर रहा है, तो आपको क्या बताना है कि व्हेन द रॉड मेक्स 60 डिग्री विथ वर्टिकल, यानी कि जब ये इस पोजीशन को अटेन करेगा, यानी जब ये इस पोजीशन को अटेन करेगा, यानी इसका पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा कि ये इससे 60 डिग्री का एंगल बना सके, और वो भी वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना पाए, तो उसका पोजीशन कुछ ऐसा होगा। ये कुछ ऐसा बनाएगा, तो 60 डिग्री विथ वर्टिकल, और चार ऑप्शन है, एक एक करके चारों को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो ये विदाउट स्लिपिंग, इट मींस इट इज अ कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, और बाकी तो फ्रिक्शन लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, क्या ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, या इस पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम बता दिए हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12। जब ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा तो इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3। तो अब हम देखेंगे एक एक करके इसके चार ऑप्शन, और उसके बाद जो हम प्रॉब्लम देखेंगे वो 2018 में वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम देख, एंगुलर स्पीड बताइए, एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड विल बी दिस। दूसरा पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास, रेडियल एक्सेलरेशन आपको चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, और वो भी किसके, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, विल बी 3g/4।
अब इसके सी पार्ट आपसे कह रहा है, ये आपका बी है, सी पार्ट आपसे कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड दैट इज mg/60। लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विल बी 2g/L। सो दिस इज, ये आपका चार ऑप्शन है। एक एक करके अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, पहला वाला तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए क्या एंगुलर स्पीड बताइए, जब ये इससे 60 डिग्री का एंगल बनाए वो भी वर्टिकल के साथ। तो जब ये इस टाइप से, इसका अगर हम फिगर फिर से बनाए, तो जब ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तब आपको नॉर्मल फोर्स बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, लीनियर एक्सेलरेशन बताना है, एंगुलर स्पीड बताना है और दूसरा नॉर्मल फोर्स बताना है। तो जब ये इस पोजीशन पे होगा, ये इसका वर्टिकल पोजीशन है और यहां से सपोज दैट यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये अगर इस पोजीशन पे आए और ये वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए, यानी ये वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा और यहां से ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से अगर 60 बना रहा है तो बाकी कितना होगा 30। तो आपसे ये पूछ रहा है, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, इसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा। सो दिस इज COM, दैट इज L/2 और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर शिफ्ट होगा। सिंपल सा बात है कि ये जब यहां पे है तो इसका सेंटर ऑफ मास इससे थोड़ा सा नीचे ही होगा, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास COM। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड हम कहां से निकाल पाएंगे, तो इसमें हम करेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का उतना ही गेन होगा काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि आपको पता है एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये हम बहुत बेसिक लॉ है कि जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, इस पोजीशन से इस पोजीशन, अगर इस पोजीशन को लेट्स, दिस पोजीशन इज 1 एंड दिस पोजीशन इज 2, तो जब 1 से 2 पोजीशन पे जाएगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर L/2 है, अब ध्यान से देखिए, दिस इज L/2, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, अब सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा नीचे चला गया, तो अगर ये L/2 है, पहले L/2 था, अब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये आपको 60 डिग्री का एंगल बता दिया है, ये 60 डिग्री, अब जो है, अब अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो क्या हम क्लियर देखें, ये आपको 60 डिग्री दिख रहा है और इससे थोड़ा सा नीचे आएगा यहां सेंटर ऑफ मास, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½mv² में ½i⍵² तो यहां से हमको थोड़ा सा क्लू मिल रहा है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड, ओमेगा यहीं से निकल जाएगा। जब ये इस टाइप से रोटेट करेगा तो यहां से अगर हम बात करें तो लॉस पोटेंशियल एनर्जी में कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास कितना से शिफ्ट हुआ, पहले अब ऐसा समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास पहले L/2 डिस्टेंस पे था, अब उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे जाएगा विद इंक्लाइनेशन 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये थीटा है और अगर हम देखें तो सपोज डेट होना तो चाहिए था, ये सपोज डेट यहीं पे हम ले लेते हैं, ये COM ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि जो लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में वही गेन होगा।
सो यहां से अगर एल बाई टू है, सपोज दैट दिस इज एल बाई टू, सेंटर ऑफ मास यहां पे शिफ्ट हो गया और ये थीटा है, थीटा 60 डिग्री, और थीटा का सामने का ये आपका हो जाएगा साइन डिग्री साइन, और ये एक्चुअली हो जाएगा ये अगर एल बाई टू है तो ये हाइट आपका हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, तो ये आपका क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका एल है तो यहां से आपका आ जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा। तो खाएगा जो खा ले खा लीजिए। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन कितना हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी, तो पहले एल बाई टू पे था इस पोजीशन पे था, अब ये इस पोजीशन पे गया तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ, अब वो कितना चल गया एल बाई टू कॉस थीटा, तो एल माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, ये जो है टोटल एल है ये थीटा है, तो यहां से अगर हम इसका परपेंडिकुलर देखें क्योंकि हाइट से यहां से इस पोजीशन में यानी फ्लोर से यानी इस पोजीशन को हम क्या ले रहे हैं रेफरेंस लेवल, तो ये आपका हो गया रेफरेंस लेवल। तो पहले क्या था, पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन से अब ये एल बाई टू है ये थीटा है, तो ये अगर हम निकालें यहां से यानी कि ये आपका रेफरेंस लेवल है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर हाइट देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा थीटा के सामने का क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा एल बाई टू साइन 60, लेकिन हमको क्या चाहिए ये परपेंडिकुलर, तो पहले एल बाई टू पे शिफ्ट था अब क्या हो गया एल बाई टू कॉस थीटा, तो ये जो हुआ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही हो जाएगा आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, तो फर्स्ट पार्ट अब आपका यहां से क्लियर हो जाएगा 1/2 I into ओमेगा स्क्वायर, अब एल बाई टू अगर कॉमन ले तो मास एम है जी, एल बाई टू अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एल बाई टू माइनस वन माइनस कॉस सिक्सटी, अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करें तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा इजी कर लें तो यहां से आपका आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू वन माइनस कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब हम कहते हैं कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्सी हो जाता है एम एल स्क्वायर बाई 12, यहां से ओमेगा स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा एम जी एल बाई टू 1/2, तो यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा एम से एम कैंसिल, और यहां से आपका हो जाएगा यहां 4 है ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 6 एल से एल कैंसिल, तो इधर आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा इधर 6, तो यहां पे डिवाइड है तो 6g आपका इधर आ जाएगा और डेगा, तो यहां से सिंपली कैंसिल करेंगे तो इधर क्या था इधर 4 था और इधर 24, तो यस, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां से नहीं आ रहा है, तो ओमेगा यहां से आपका क्या आ जाएगा √6g/L, जबकि यहां पे क्या दे रहा है 3g/L, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां से इनकरेक्ट है। अब यहां से हमको निकालना है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो सिंपल सा बात है इधर रोटेट कर रहा है तो इधर इसका नॉर्मल फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन के लिए हमेशा यूज करते हैं दैट इज μ × N, और यहां से आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स भी बताना है जो कि फ्लोर उस पर एग्जर्ट कर रहा है। इसमें एक चीज कि ये जो रोटेट कर रहा है वो एज के अबाउट कर रहा है, तो एज के अबाउट हम बताए थे मोमेंट ऑफ इनर्सिया दैट इज ml स्क्वायर बाय 3, तो ml स्क्वायर बाय ये 12 नहीं होगा ml स्क्वायर बाय 3 होगा क्योंकि ये एज के अबाउट रोटेट कर रहा है, अगर ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता सेंटर के अबाउट अगर ये रोटेट करता तो क्या हो जाता ml स्क्वायर बाय 12, लेकिन ये क्या एज के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वन फिक्स एंड के अबाउट, जब एंड के अबाउट आपको रोटेशन हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ml स्क्वायर बाय 3 होगा,
तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री के वजह से तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, बाकी सारा चीज वही रहेगा, तो यहां से वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर बाय 12। ये 12 हो जाता जब सेंटर से ये रोटेट करता, ये तो किसी एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा एम जी एल बाई 2 और ये 1/2, तो यहां से आपका आ जाएगा एम से एम कैंसिल, दोनों स्मॉल एम है, बाकी आपका आ जाएगा एग्जैक्टली वही आएगा ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर 3g/2l। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तो ये फर्स्ट यहां से आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे कह रहा है कि आप रेडियल एक्सेलरेशन बताइए और दूसरा एक एंगुलर एक्सेलरेशन, तो दो एक्सेलरेशन है इसका, रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा यानी कि रेडियल यानी इस डायरेक्शन में भी इसके पास एक्सेलरेशन होगा और एक यहां पे एक्सेलरेशन, यानी कि दो एक्सेलरेशन है, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब रेडियल कहां से निकाले और एंगुलर कहां से निकाले, अब हम इसमें पहले एक चीज देख लेते हैं कि टॉर्क भी तो लग रहा है, ये किस वजह से ये रोटेट कर रहा है, तो यहां पे आपको पता है कि एफ एक्सटर्नल 0 है, तो यहां पे अगर टॉर्क हम देखें यानी एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, तो टॉर्क अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट देखें तो टॉर्क एट द पॉइंट दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट दैट इज ओ, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क एट द पॉइंट ओ यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है तो आई इंटू अल्फा टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस फिक्स यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट, तो यहां से क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। अब टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको किस फोर्स के वजह से ये रोटेशन है, एक तो रेडियली और दूसरा ये लिनियरली भी वेरी कर रहा है, इस टाइप से भी ये रोटेट कर रहा है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, तो यहां से अगर हम निकाले तो टॉर्क एट द पॉइंट ओ सो दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और ये आपका आ जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा एम जी, मास की वजह से ये नीचे जा रहा है, तो एम जी इंटू एल बाय 2 साइन 60। अब ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस यहां से आ रहा था cos 60, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके वजह से ये रोटेट कर रहा है, इसके अंदर जो टॉर्क है ये अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, तो जब भी टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क दैट इज इक्वल टू r क्रॉस f फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो mg ही लग रहा है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाय 2 साइन 60, तो ये आपका आ जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इधर लग रहा है mg नीचे लग रहा है, और यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा, फोर्स इस पे mg लग रहा है और नीचे लग रहा है, तो फोर्स इसको जो क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट करवाना चाह रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो फोर्स mg लग रहा है और वहां से डिस्टेंस क्या है, तो ये आपका l बाय 2 और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस ये थीटा के सामने का, तो थीटा का सामने का हम बोले थे l बाय 2 साइन थीटा, तो यहां से आपका आ जाएगा अल्फा, और ये कौन सा है रेडियल एक्सेलरेशन, तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा एम जी इंटू एल बाय 2 साइन 60 दैट इज रूट 3/2, और ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका, तो ये आपका एम से एम कैंसिल एल से एल कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा 4g और यहां से रूट 4g और यहां से अल्फा इधर ही रहेगा, और ये आपका आ जाएगा 3√3g/4 और ये आपका l हो जाएगा, तो ये आपका आ गया सिंपली अल्फा का वैल्यू। और आपसे क्या पूछ रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो यहां से अगर हम निकालें ओमेगा का भी वैल्यू आपको पता है, तो यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालें
एक और आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, आर का मतलब यहाँ पे एल बाई टू हो जाएगा। तो ओमेगा का भी वैल्यू आपको पता है, एल बाई टू का भी वैल्यू, बस इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से आपका आ जाएगा 3g/2l/l/2। तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ पार्ट, यानी कि 4l, यानी कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट यहां से आपका आ जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। यहां से हम अगर निकालते हैं तो दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो इसमें एंगुलर स्पीड होगा, और एंगुलर स्पीड होगा तो उसके वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक रोटेशन के वजह से एक्सेलरेशन होगा, दूसरा ये टॉर्क जो लग रहा है, टॉर्क एट द पॉइंट ओ विच इज दिस पार्ट, फ्रिक्शन के वजह से, यानी यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट कर रहा है इन इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा और ये इस टाइप से रोटेट करेगा। तो रोटेट किस वजह से कर रहा है, तो रोटेट जो कर रहा है mg के वजह से कर रहा है, l by 2 sin थीटा। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो mg नीचे लग रहा है, एक ही फोर्स ही लग रहा है mg, और तो कोई फोर्स है नहीं, और दूसरा कह रहा था कि फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के वजह से ये इस पॉइंट पे रुका हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन है कि इसमें जो फ्रिक्शन है वो लार्ज फ्रिक्शन है, यानी ऐसा ना हो कि इस टाइप से रोटेट करे और यहां से इस पॉइंट से ये क्या स्लाइड कर दे, तो वो भी हम बोले थे कि ये जो है प्योर रोलिंग मोशन का भी कंसेप्ट इसमें लग रहा है कि ये पूरी तरीके से क्या स्लाइड नहीं कर रहा है, यानी कि स्लाइड वाला टेंडेंसी भी नहीं होगा, तो इस टाइप से रोटेट करेगा। तो इसमें दो दो एक्सेलरेशन आएगा, एक तो टेंडेंशियली और दूसरा रेडियली, एक रेडियली और दूसरा टेंडेंशियली। तो रेडियली इस पॉइंट पे लगेगा और एक लगेगा इस पे इसके 90 डिग्री से, यानी कि ये आपका, यानी दो दो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है ये आपका रेडियली एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन, और ये है आपका टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया रेडियल एक्सेलरेशन, ये आपका टेंडेंशियल। लास्ट वाला पॉइंट पूछा है कि बताइए कि नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द फ्लो ऑन द रॉड विल बी, तो आप बताइए कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखिए, एक अल्फा का वैल्यू हम कहां से निकाले, तो ये रोटेट कर रहा है और ये सपोज टू बी क्लॉक वाइज ये रोटेट कर रहा है, तो उसके वजह से, रोटेशन के वजह से यहां से अल्फा का वैल्यू आपका क्लियरली आ गया। तो एक ये आपका आ गया इस वजह से रेडियल, तो दो एक्सेलरेशन है इसमें, एक टेंडेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन। अब आपसे लास्ट पार्ट में पूछा है कि नॉर्मल फोर्स क्या, बताइए, तो इन दोनों के हेल्प से हम निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, mg इसमें नीचे लग रहा है और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए, एक रेडियल एक्सेलरेशन जो कि उसके हमेशा सेंटर से पास करता है, इसीलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है एक पॉइंट पे फिक्स है, और ये इस टाइप से फॉल कर रहा है। तो mg के वजह से इसमें जो टॉर्क आया वो ये आया, mg l by 2 sin थीटा, थीटा ये था, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l by 2 sin थीटा। तो mg into l by 2 sin थीटा दैट इज इक्वल टू r into अल्फा। तो और ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये बहुत फिक्स है कि ये अपने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इट्स रोटेट अबाउट इट्स एंड पॉइंट, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा। सो अल्फा का वैल्यू यहां से हम निकाल लिए, ये जो mg के वजह से रोटेट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें एक रोटेशन के, एक तो ये आपका आ गया रेडियल एक्सेलरेशन, अब यहां से हम टेंडेंशियल एक्सेलरेशन अगर हम देखें, तो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इस टाइप से दो पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट पे, इस टाइप से ये रोटेट कर रहा है, और इसका एंगुलर स्पीड जो कि हम निकाल चुके थे, और यहां से अगर हम टेंडेंशियल एक्सेलरेशन देखें, तो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा at, दैट इज टेंडेंशियल। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे कि सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा होता है सर्कुलर, तो इसका
सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और ये टेंडेंशियल यानी इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो इस पॉइंट के अबाउट यानी ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो ये जो हो जाएगा ओमेगा से रोटेट कर रहा है। वही पहला वाला क्वेश्चन वही वाला पूछा है कि आप बताइए कि एंगुलर स्पीड क्या होगा और इसका एल बाई टू इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये आपका टेंडेंशियल यानी ए टी का वैल्यू आपको यहां से आ जाएगा 3g/2l × l/2। तो ये आपका हो जाएगा 3l/4, यहां से आपका 3g और यहां से l कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 3g/4 आ जाएगा, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन टेंडेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ध्यान से देखिए अगर सर्कुलर पाथ में होगा तो ये आपका हो जाता है रेडियल एक्सेलरेशन और ये आपका हो जाता है टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। अब क्या पूछा है लास्ट पॉइंट जो कि सबसे कमाल है, अब तक का हम क्या क्या कहानी देखे कि ये यहां से 60 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो 60 डिग्री जब रोटेट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम ओमेगा फर्स्ट पॉइंट से निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए इसका सेंटर ऑफ मास पहले एल बाई टू था, अब एल बाई टू क्या हो गया कॉस थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए और ये इसमें लगेगा टॉर्क, टॉर्क एट दिस पॉइंट, तो टॉर्क के लिए क्या चाहिए आई इंटू अल्फा, एक ही फोर्स से mg है तो mg के वजह से ही लगेगा, तो mg l by 2 sin theta फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, तो फोर्स लग रहा है इस पे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये sin theta, तो l by 2 sin theta आ गया। तो यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकालें और ये अल्फा कौन सा है रेडियल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ लग रहा है, ध्यान से देखिए सेंटर ऑफ मास से हो गया तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन रेडियल और ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन टेंडेंशियल, ये अलोंग द टेंजेंट है तो ये आपका हो जाएगा टेंडेंशियल। अब यहां से हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड विल बी mg/60। अब इसको हम देखते हैं और यहां से हम कहां लाए थे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इस फेज में इनिशियली यानी फेज वन में mg l by 2 था जो कि घट के यहां से इधर सेंटर, तो इसका जो लेंथ है ये l by 2 है, ये आपका थीटा है, तो यहां से कितना नीचे चला जाएगा, तो कितना नीचे चला जाएगा, तो यहां से देखिए ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा यानी कि एल बाई टू कोस थीटा, तो ये आपका क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम ओमेगा का वैल्यू निकाल लिए और इस ओमेगा के वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। तो यहां से ये आ गया टेंडेंशियल आ गया और ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, फोर्स एम जी की वजह से रोटेट कर रहा है, तो यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या अब तक क्या क्या देखे, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन और यहां से टॉर्क के हेल्प से दोनों हम ले आए। अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट पॉइंट आपसे पूछा कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए नॉर्मल फोर्स कहां से आएगा, तो नॉर्मल फोर्स उसी पोजीशन पे लगेगा, कॉन्टेक्ट फोर्स है ये, नॉर्मल फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो यहां से अगर हम बात करें तो नीचे लगने वाला फोर्स इसका क्या है एम जी और ऊपर लगने वाला, ऊपर इससे ऊपर लगेगा, नीचे इधर लगने वाला mg और इसके कांटेक्ट में यानी कि सेम ऊपर लगने वाला फोर्स नॉर्मल, और आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल बताइए। तो यहां से mg माइनस नॉर्मल, अब ध्यान से देखिए mg जो कि इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, नॉर्मल जो कि ऊपर ले जाता है यानी कि इसके कांटेक्ट फोर्स से, तो mg के वजह से ये नीचे आ रहा है, इसको अपोज कौन कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है नॉर्मल। नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स होता है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सो जो भी प्लेन है यानी कि जो फ्लोर है, इस फ्लोर के कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर है, तो ध्यान से देखिए ये परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए mg नीचे की तरफ नॉर्मल, अब यहां से अगर हम बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, अब क्या हम इस में एक्सेलरेशन कौन सा लिखे,
वेदर इट इज रेडियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, अब कौन सा हम यूज करें। तो ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ले लें, लेट्स दिस इज एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये सपोज दैट ये वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है, फ्लोर एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस, ये उसके परपेंडिकुलर दैट इज वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, एमजी ऊपर लगा, नॉर्मल उसके अपोज कर रहा है, तो ये जो सेंटर के तरफ लगता है, ध्यान से देखिए, अगर सर्कल है तो सर्कल के सेंटर के तरफ जो फोर्स लगे और एक फोर्स इसके टेंडेंशियली लगे, तो एक्सेलरेशन टेंडेंशियली और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा रेडियल। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये इसका ये कंपोनेंट, ये भी आपका हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो इसका ये कंपोनेंट यानी कि रेडियल का वो कंपोनेंट, रेडियल तो इधर लग रहा है, इसका हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, जो वाई एक्सिस यानी मोशन, मोशन अलोंग अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां से ये आपका आगे, तो यहां से देखें तो ये आपका आ जाएगा रेडियल, यानी रेडियल इसको लिख दें, रेडियल का तो कॉस 60, कॉस 60, तो इसका एक कंपोनेंट ये थीटा आपको 60, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो इसका कॉस कंपोनेंट कॉस 60 प्लस 80 टेंडेंशियल। अब ध्यान से देखिए, इसका क्या हो जाएगा, अगर ये 60 है और टोटल 90 होगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है, रेडियल और टेंडेंशियल के बीच में 90 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री 80, और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको भी कैपिटल M ही ले लेते हैं, सारा कैपिटल M रहेगा, तो यहां से आपका नॉर्मल का वैल्यू आपका आ जाएगा, नॉर्मल दैट इज इक्वल टू mg माइनस m इंटू, अब रेडियल भी आप निकाल लिए हैं, टेंडेंशियल भी, ये आपका कौन सा है रेडियल, तो इसका कितना चाहिए हमको cos 60, सो 3 रूट 3 बाई 4 l cos 60 दैट इज 1 बाई 2 प्लस 80 टेंडेंशियल, टेंडेंशियल का यहां से आपका आ जाएगा 3g by 4l, 4 से l से l कैंसिल, तो 3g by 4, अब यहां से cos 60 तो यहां से रूट 3 by 2, तो यहां से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा n का यानी नॉर्मल का, सो mg वजह से आएगा, मास के वजह से, तो ये टेंजेंशियली है। और ध्यान से देखिए, अल्फा a दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, एक्सेलरेशन टेंडेंशियली, तो ये आपका टेंडेंशियली नहीं है, ये आपका कौन सा है, इसके वजह से ये आपका आ रहा है रेडियली, दो एक्सेलरेशन है, एक रेडियली और दूसरा टेंडेंशियली, तो ये आपका जो है ये आपका रेडियली है, ये आपका रेडियली है और ये आपका टेंडेंशियली है, तो टेंडेंशियली और रेडियली, तो यहां से अगर हम निकालें तो ए टी का वैल्यू जो हो जाएगा आर इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू यानी कि इसका रेडियस, किस रेडियस में ये रोटेट करेगा, तो एल बाय टू, तो यहां से आर बाय टू हो जाएगा, यहां पे एल बाय टू, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर एल, तो यहां से एल से एल कैंसिल, दैट इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री बाय, यहां से आपका आ जाएगा एट, थ्री बाय थ्री रूट थ्री इंटू एट, यानी कि यहां पे जो फोर था ये आपका क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, एट हो जाएगा, और यहां से आर और अल्फा, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका है टेंडेंशियली, इधर जो लग रहा है रेडियस यानी सेंटर के तरफ जो लगता है वो कौन सा होता है रेडियली, और इससे 90 डिग्री पे जो लग रहा है ये आपका टेंडेंशियली, तो टेंडेंशियली
जो है वो आपका आ जाएगा mg के वजह से, दैट इज r इंटू अल्फा। अब बस पुट कर दीजिए तो यहां से आपका mg का वैल्यू आ जाएगा, तो mg का वैल्यू आपका क्लियर कट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां से mg इंटू 3 by 4 और यहां से आपका हो जाएगा cos 60। तो ये आपका है रेडियली cos 60, तो cos 60 यहां से आपका आ जाएगा 1/2 और यहां से आपका आ जाएगा 80, दैट इज इक्वल टू 3√3/8 इंटू cos 30। तो cos 30 आपका हो जाएगा √3/2। तो यहां से वैल्यू आपका आ जाएगा, सिंपली यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो ये आपका आ जाएगा mg by 60।